दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों RPSC की जो चार एग्जाम स्थगित की गई हैं, जिनमें सबसे बड़ी एग्जाम RPSC फर्स्ट ग्रेड है। तो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम अब कब तक आयोजित हो सकती है, और ये जो फर्स्ट ग्रेड के साथ तीन और जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, इनके बारे में क्या अपडेट है, संपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बताने वाले हैं कि इनके जो नए आवेदन हैं वो कब से भरे जाएंगे, संभावित जो अगली डेट है परीक्षा की वो कब आएगी, और कब ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी है, और ये राजस्थान पत्रिका की जानकारी है, और अजमेर संस्करण की है। आप देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है, ये ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप अजमेर संस्करण डेट देख सकते हैं, 30 जून 2019। ठीक है, तो आयोग ने स्थगित की चार परीक्षाएं, अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा नौकरियों का इंतजार। ठीक है, तो आयोग करेगा नए सिरे से परीक्षा तिथियां तय। तो अजमेर संस्करण की है, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चार प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने के बाद ये सिचुएशंस बनी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दोबारा विज्ञापन जारी करने, उनसे आवेदन लेने के बाद नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम बनेगा। इसके चलते दोस्तों 2020 से पहले अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलना मुश्किल है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 15 से 25 जुलाई और जो फिजियोथेरेपिस्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग और सहायक वन संरक्षक वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम, इनको यहाँ पर आयोजन इन्होंने रद्द किया है। कार्मिक विभाग ने आयोग को पत्र भेजकर अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC और EWS को आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है। इसके चलते आयोग ने ये परीक्षाएं स्थगित की हैं। प्रक्रिया में लगेगा वक्त, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, हाल ही में मुख्य सचिव DP गुप्ता ने सभी विभागों को अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण के अनुरूप पदों का वर्गीकरण करने को कहा है। और दोस्तों जो वर्गीकरण है वो 10 जुलाई तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर विभागों से प्राप्त सूचनाओं का आयोग परीक्षण करेगा, कहीं संबंधित समस्या होने पर संबंधित विभाग से दोबारा जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद आयोग को विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों को न्यूनतम 1 महीना देकर आवेदन लेने होंगे। तो दोस्तों जैसे यह देखिए यहाँ पर यह प्रक्रिया, यानी जो आवेदन है वो अगस्त से लेकर सितंबर तक चलने की संभावना है। तो अगस्त से लेकर सितंबर तक अगर आवेदन होते हैं तो आप खुद तय कर लीजिए कि एग्जाम कब हो सकती हैं। ठीक है, दोबारा बनेगा कार्यक्रम। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद आयोग नए सिरे से चार परीक्षाओं के कार्यक्रम तय करेगा। यह परीक्षाएं नवंबर या दिसंबर या अगले साल भी हो सकती हैं। ठीक है, आपके सामने है, नवंबर दिसंबर अगले साल भी हो सकते हैं। इस समय अभ्यर्थियों का नौकरियों का इंतजार बढ़ जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन परिणाम और साक्षात्कार होने तक 4 से 6 महीने लगने की उम्मीद है। और ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें निश्चित तौर पर इनमें पद भी बढ़ जाएंगे और दोबारा से इनमें आवेदन भी होंगे। तो दोस्तों ये है आयोग के अनुसार, ये डेटा है, फिगर है, और आयोग के जो राजस्थान पत्रिका के अकॉर्डिंग है ये जो जानकारी, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2020 में ये एग्जाम हो सकते हैं, जनवरी दिसंबर या जनवरी में। तो दोस्तों ये है ताज़ा अपडेट। इसके अलावा दोस्तों RPSC की जो एक और भर्ती है EN, उसका जो एग्ज़ाम है वो तय समय पर होगा, 997 पद उसमें हैं, उनका यहाँ पर तय समय पर एग्जाम होने वाला है, उनको यहाँ पर पोस्टपोन्ड नहीं किया गया है। तो वो जो रिलेटेड अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम है आपका, नए सिरे से आवेदन अगस्त में होंगे। इसके अलावा उनकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों दिसंबर या जनवरी में होने वाली है, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।